आप बेफिक्र से यहां काम कर सकते हैं, यहां सारा काम खुल जा रहा है, आपको करने के लिए पूरा काम मिल जाएगा। हाउसिंग एक्टिविटी चलेगा, रियल एस्टेट चलेगा, काफी और काम भी चल पड़ेगा, इंडस्ट्री भी चलेगा, तो लिहाजा आप अपना काम ढूंढ सकते हैं, जहां आप पहले से काम कर सकते हैं वहां आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना रियासत में एक बार फिर से लॉकडाउन की तारीख में मजीद तौसी करते हुए इसे 29 मई तक जारी रखने का ऐलान कर दिया गया, मगर इसी दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में छूट जारी रहेगी। मगर फिर भी रात का कर्फ्यू यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रियासत भर में नाफिज रहेगा, जिसमें तीनों जोन ग्रीन, रेड और ऑरेंज शामिल है। सेंट्रल हुकूमत की जानिब से ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन बना दिए गए थे, तेलंगाना हुकूमत उन जोन को फॉलो कर रही है, पर कुछ और रूल्स तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इसमें ऐड करे गए हैं तेलंगाना के अंदर। जैसे कि सेंट्रल हुकूमत ने कहा था कि ग्रीन जोन में सभी दुकान खोलने की परमिशन दी जाएगी, पर सीएम केसीआर ने इस बात से मना कर दिया, क्योंकि अब तेलंगाना में जो भी ग्रीन जोन है उनमें सभी दुकानें नहीं खोली जाएगी। अवाम को जिस चीज की जरूरत है सिर्फ वही दुकानें खोली जाएगी। और हम आपको बता दें कि स्टैम्प्स और रजिस्ट्रेशन और आरटीए का काम अब चालू हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता हालात को देखने के बाद 15 मई तक कोविड-19 के केसेस में कुछ कमी आती है तो फिर यहाँ शहर हैदराबाद में भी बाजार खुलने पर गौर किया जाएगा, अगर हालात के हिसाब से ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए अब तारीख में पहली मर्तबे रमजान की ईद भी इसी तरह का माहौल यानी लॉकडाउन में गुजारना पड़ेगा। जी हाँ, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 5 मई की रात को मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। इससे कबल इन्होंने कैबिनेट की एक मीटिंग तलब की, जिसमें अहम मुद्दों पर गौर करते हुए जो फैसले लिए गए और फिर ग्रीन व ऑरेंज जोन में रियायत दी जाएगी, जबकि रेड जोन यानी हैदराबाद, मेडचल, रंगारेड्डी वगैरह में किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं रहेगी और यहां जारी किए गए अहकाम पर ही अमल किया जाएगा, क्योंकि यहां पर गुंजान आबादी है। और फिर साथ में महकुमे सेहत के अलावा महकुमे पुलिस की तरफ से हुकूमत को इसके ताल्लुक से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया, इसके बाद ये फैसला लिया गया। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स के लिए बता दें कि 10th क्लास के एग्जाम्स इसी महीने में होंगे। जैसे ही हाईकोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा उसके चलते हुकूमत अपने कड़े बंदोबस्त के बाद फिर 10th के बोर्ड एग्जाम्स इसी महीने में करवाएगी। इंटरमीडिएट का वैल्यूएशन कल से शुरू हो जाएगा, यानी इंटरमीडिएट के करेक्शंस कल से शुरू हो जाएंगे और तुरंत ही इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। करीब अब तक 7.5 लाख माइग्रेंट वर्कर्स को तेलंगाना हुकूमत ने खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया है। इस तरीके की बात की है सीएम केसीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये भी कहा है कि आज से रोजाना 13 ट्रेन जाएगी माइग्रेंट वर्कर्स को अपने स्टेट वापस छोड़ने के लिए। सीएम केसीआर ने यह भी बताया कि 1400 राइस मिल्स वर्कर्स जो के बिहार से है जो तेलंगाना के अंदर काम करते हैं, जिसके चलते यहाँ पर राइस मिल्स काम करती है, वो अब बिहार से तेलंगाना वापस आना चाहते हैं, तो वही ट्रेन में वो वर्कर्स भी वापस तेलंगाना आएंगे काम के लिए। हम आपको बता दें कि 7 घंटे से लंबी चली थी ये कैबिनेट मीटिंग, जिसके अंदर ये सभी फैसले लिए गए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से। आइए देखते हैं हमारे एशियन टीवी न्यूज की ये रिपोर्ट। तेलंगाना के विकास में काम कर रहे हैं हम, आपको जैसा मैंने पहले बताया था, हमारे बेटे हमारे तेलंगाना राज्य विकास के प्रतिनिधि मानते हैं। आप बेफिक्र से यहाँ काम कर सकते हैं, यहाँ सारा काम खुल जा रहा है, आपको करने के लिए पूरा काम मिल जाएगा। हाउसिंग एक्टिविटी चलेगा, रियल एस्टेट चलेगा, काफ़ी और काम भी चल पड़ेगा, इंडस्ट्री भी चलेगा, तो लिहाजा आप अपना काम ढूंढ सकते हैं, जहाँ आप पहले से काम कर सकते हैं वहाँ आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। जो लोग जाने के लिए मन बना लिए हुए हैं आप लोग जा सकते हैं, कोई पाबंदी हम रोकेंगे नहीं, लेकिन एकदम लाखों लोगों को हम नहीं भेज सकते। आज मेरा यूपी सीएम साहब से बात हुआ, बिहार सीएम साहब से बात हुआ, कई चीफ मिनिस्टर लोगों से और कई अधिकारियों से मेरा बात हुआ उत्तर भारत में, वो लोग भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने एक दिक्कत बताया कि जो लोग जाना चाहते हैं उनका सूची हमको वहाँ भेजना पड़ता है, कितने लोग जाएंगे, और उस राज्य में वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, या किसी और राज्य में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, तो वहाँ पे किस जिले में वो लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ के सरकार इनके जाने का प्रबंध करना चाहिए, वहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इनके लिए स्पेशल प्रबंध करना पड़ेगा। अब ये लोग सडनली जाके उतर गए, और बिहार जैसा राज्य है वहाँ के लोग बता रहे थे, वहाँ के सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी बता रहे थे, कई लाख लोग वहाँ पहुँच रहे, तो एकदम 1 लाख लोग आ जाए तो उनको संभालना उनको मुश्किल हो जाएगा, तो वो लोग भी
एक शेड्यूल बना रहे हैं। अगर बाहर से लोग आ रहे तो किस प्रकार से उनको कौन से रेलवे स्टेशन पे उतारा जाए, किधर लिया जाए और जैसा सेफली उनका घर पहुंचा दिया जाए, उनके गांव पहुंचा दिया जाए, इसके लिए टाइम लगेगा।